हे गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड रिप्ले। तो गाइस, गुरचरण सिंह 50 जिनकी एज थी, टेलीविज़न एक्टर तारक मेहता के पॉपुलर शो डी, बहुत दिन से गायब हुए पड़े हैं। अब हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, अब तक इनका कुछ भी पता लगा नहीं है कि ये कहां पर हैं, किस हालत में है। पुलिस अभी तक पता लगा नहीं पाई है। मेन चीज़ें अभी तक हमें यही पता लगी हैं कि जिस दिन ये गायब हुए थे, और वैसे रिसेंटली इनको फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे थे, और इनकी हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हेल्थ इश्यूज़ भी फेस कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट वगैरह भी करवा रहे थे, और जिस दिन ये घर से जा रहे थे एयरपोर्ट के लिए, उस दिन इन्होंने ज़्यादा खाना भी नहीं खाया था। ये तो कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन अब पुलिस ने कुछ नए अपडेट्स भी दिए हैं इनके इसी मिसिंग रिपोर्ट को लेकर और इनके डिसअपीयरेंस को लेकर। सबसे पहले तो फ़ोन के बारे में बात करते हैं। हम सब जानते थे कि जो इनको फ़ोन कर रहे थे इनके फैमिली मेम्बर्स, फ़ोन लग नहीं रहा था, बिकॉज़ फ़ोन स्विच्ड ऑफ था। पुलिस वालों को इनका फ़ोन मिल गया, इन्होंने अपना फ़ोन पालम एरिया में ही छोड़ दिया था। तो गाइस, हम जानते हैं दिल्ली एयरपोर्ट गए थे, वहाँ से इन्होंने मुंबई जाना था, लेकिन ना तो मुंबई पहुँचे ना घर वापस आए, तो वहाँ पर पालम एरिया में ही इन्होंने अपना फ़ोन भी छोड़ दिया था खुद ही। और इसी करके गुरचरण सिंह को ट्रेस करना भी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, बिकॉज अगर ये जहाँ भी होते फ़ोन इनके पास होता तो पुलिस के लिए बहुत ईजी रहता है किसी को ट्रेस करना। अगर फ़ोन ऑन है और फ़ोन उनके पास है तो मल्टीपल तरीके होते हैं जिससे वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं बिकॉज ये फ़ोन को पालम एरिया में छोड़ा है। सीसीटीवी फुटेज जो मिली थी वहाँ पर ये दिखा कि ये एक ई रिक्शा से निकलकर किसी दूसरी ई रिक्शा में जा रहे थे। पुलिस ये कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने खुद सब कुछ प्लान किया हो और खुद इस प्लानिंग से दिल्ली से बाहर निकले हों और अपनी डिसअपीयरेंस करवाई हो। तो फिलहाल के लिए पुलिस ने ये कहा है कि ये खुद के डिसअपीयरेंस को प्लान किया हो सकता है इन्होंने, लेकिन अभी के लिए इस पर कुछ कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ पुलिस वालों ने सोचा है और ऐसा हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। जिस तरह से उन्होंने अपना फ़ोन पालम में छोड़ा और उस करके भी पुलिस को काफ़ी ज़्यादा ये लग रहा है कि ये कहीं खुद ही ऐसा करके ना गए हों। एक तो सवाल आता है कि ये खुद अपनी प्लान करके डिसअपीयर हुए भी हैं या फिर नहीं, और अगर हुए हैं तो ऐसा क्या हुआ है इनके साथ कि इनको खुद को ऐसे गायब होना पड़ा। क्या ये किसी से बच रहे थे या फिर जो भी था, अभी के लिए इस पर कुछ भी अपडेट नहीं है। सेक्शन 365 के अंडर ये केस रजिस्टर हुआ पड़ा है, टेक्निकल टीम भी इस पर काम कर रही है, पुलिस वाले काम कर रहे हैं, और देखते हैं कुछ सोल्यूशन निकलता है, कुछ हमें अपडेट आता है या नहीं। बहुत दिन हो गए हैं, अब इनके फैमिली मेम्बर्स की टेंशन भी बढ़ रही होगी, होप उनकी टेंशन ख़त्म हो और ये जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए या फिर पुलिस वालों को मिल जाए, कुछ पॉजिटिव अपडेट देखने को मिले। अपकमिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।